तो आज मैं तुम लोग के लिए एक और, जैसे आज हमारा ब्रेक के पहले लास्ट क्लास है, तो आज मैं क्या करता हूँ कि तुम लोग को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चालू करवा देता हूँ, ठीक है? तो क्या रहेगा, तुम लोग को फिर पढ़ने में इजी रहेगा, ठीक है? तो पुट द हेडिंग, सबको वॉइस आ रहा है ना ऑनलाइन में, क्योंकि कल थोड़ा ब्रेक हो रहा था वॉइस, ठीक है? चलो हेडिंग लगाओ, सब लोग टेबल बुक लाया है ना? टेबल बुक नहीं मिला तो जाओ फटाफट लेके आओ, जाओ बाहर से, ठीक है? और जो लोग नहीं लाया टेबल बुक, सब लोग अपना लैपटॉप निकालेगा, ठीक है? लैपटॉप निकालेगा, डैशबोर्ड या फिर क्यू फॉर्म जो भी तुम लोग को मिला है लॉग इन करेगा, उसमें सॉफ्ट कॉपी में जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में जाके देखेगा वहां पर दिया हुआ है टेबल बुक, सब लोग पहले टेबल बुक निकालेगा, ठीक है? टेबल बुक और कैलकुलेटर से लो निकाल लो। तुम कैलकुलेटर ले लिया तो फिर आया क्यों क्लास में? चलो अब आज के बाद जो भी सारा क्लास होगा सब में टेबल बुक और कैलकुलेटर लेके बैठेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो लिखो। हेडिंग लगाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है? तुम लोग का देखना सॉफ्ट कॉपी में एक बेसिक असाइनमेंट होगा, उसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा जो बहुत इजी है। रैंडम वेरिएबल का सारा हम करा दिया और डिस्ट्रीब्यूशंस, आज तीन चार डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग को बेसिकली मोटिव समझा देते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? देखो एक होता है इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, जिसमें बेसिकली जो स्टैट्स का जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसमें ये सिखाते हैं कि ये सब डेरिवेशन कहां से आ रहा है, ठीक है? वी एज एक्चुअल कैंडिडेट्स हम लोग को ये नहीं समझना है कि ये सब कहां से आ रहा है, ये सब आ चुका है, डिराइव हो चुका है, अब ये प्रैक्टिकली कहां अप्लाई हो सकता है वो हम लोग को समझना है। तुम ऑब्जेक्टिव समझो, ये जो कोर्स है इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि तुमको स्टैट्स में महारथी बनाना, नहीं, तुमको एनालिटिक्स के लिए स्टैट्स आना चाहिए, स्टैट्स में जितना भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां कहां अप्लाई हो सकता है हम लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है? कहां कहां वो चीज अप्लाई हो सकता है रियल लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल हम लोग आज का क्लास चालू करेंगे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूशन भी दो रकम का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है? हम लोग आज का क्लास चालू कर रहे हैं जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है? अब सबसे पहले अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? मैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं कराऊंगा, जितना होगा मैं एक डेढ़ घंटे में करा दूंगा, फिर आज तुम लोग का टेस्ट भी है, ठीक है? तो देखो ध्यान सुनो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को ये समझना है कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कहां पर होगा, ठीक है? तो डिस्क्रीट में हम लोग सबसे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कुछ कॉपी मत करना, हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक, हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल, हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है? नेगेटिव बाइनोमियल भी दो रकम का होता है, एक होता है टाइप वन और एक होता है टाइप टू। हम लोग पढ़ेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक, हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन, हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, ठीक है? तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है? तो अब एक तुम चीज समझना, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? फर्स्ट सक्सेस। तुम लूडो का गेम में है, ठीक है? तो लूडो का गेम में गोटी कब खुलेगा? जब सिक्स आएगा। सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाय सिक्स। तुम्हारा सक्सेस, ये बेसिकली सक्सेस है, तुम सी एस वन का एग्जाम में फर्स्ट टाइम में पास करेगा, डेटा के हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 40%। 100 लोग एग्जाम दे रहे, 40 लोग पास हो रहे हैं, ठीक है? तुम एक्चुएटर से ट्रेनिंग लिया, तुम्हारा पास होने का प्रोबेबिलिटी 80%, डेटा यही बोलता है, ठीक है? तुम सारा क्लास में आया तो प्रोबेबिलिटी 200%, ठीक है? डेटा यही बोलता है, ठीक है? अब देखो मैं तुमको स्टार्टिंग में बोला था ना, धीरे धीरे करके देखना सब आना बंद हो जाएगा। आज देखो कोई नहीं आया, 7 दिन भाई, पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस नहीं है। कोर्स टफ नहीं है, हम खराब नहीं पढ़ाते हैं, पेशेंस नहीं है। सबको फास्ट मनी एंड फास्ट सक्सेस चाहिए, ठीक है? ये होता नहीं है लेकिन रियल लाइफ में,
इसीलिए पता है जो पेशेंट रहता है वो 10 गुना कमा के निकलता है, चीज समझो। ये सब छोड़ो, ये सब तो कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी कोचिंग में पढ़ा देंगे। 100 लोग है, ठीक है, सब लोग अगर पेशेंटली यहां तक वेट करेंगे तो सबका माने जो भी तुम इन्वेस्ट किया है वो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो 100 में यहां तक आते आते 20 लोग ही बचते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा पैसा 2 गुना नहीं होगा, तुम्हारा पैसा 20 गुना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, 20 साल, 15 साल, 10 साल, ठीक है। अभी जो भी सब फैकल्टीज को मैं ऑनबोर्ड करता हूं, एक ही बात बोलता हूं कि तुम पैसा अभी नहीं बनाएगा, तुम ये सोचेगा प्रवीण सर को लूट के निकल जाए, पॉसिबल नहीं है, सर को कोई नहीं लूट सकता है, ठीक है। तो ये हर चीज में है, कोई भी अगर ये सोचता है ना कि आज हम यहां ज्वाइन किए हम 2 साल में ऐसा कर लेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ ना, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, 10 साल के बाद ही तुमको, अब जैसे इस प्रोफेशन में तुम आएगा, तुमको 4 साल लगेगा कोर्स कंप्लीट करने में, उसके बाद 6 साल और लगेगा तुमको समझने के लिए कि कोर्स क्या है। फिर जब तुमको गेम समझ में आ जाएगा ना, फिर तुम पैसा बनाना चालू करेगा। बट क्या लोगों को 6 महीना साल भर में चाहिए, तो उपाय नहीं हो, तो पॉसिबल नहीं हो चीज तो, ठीक है। देखो तो लूडो में तुम्हारा 6 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6। फेल कब होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आएगा तो तुम फेल है, तो क्या आएगा, 5/6। अब एक बात बताओ, फर्स्ट सक्सेस कब आएगा, तुम पहला बार चाल चला और तुम्हारा पहला बार में ही छक्का आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ। तुम पहला बार चाल चला और तुम्हारा पहला बार में ही सक्सेस आ गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 × 5/6 to the power 0, ठीक है। ए कितना बजे क्लास था, तो कितना बज रहा है अभी, सुबह नवरात्रि का पूजा किया, नहा दो क्या, इज नॉट द क्वेश्चन, पूजा में तुम प्रेजेंट था हां कि ना, झूठ मत बोलना, ठीक है बैठो। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं सर, ठीक है, टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तब लगाते हैं सर जब फर्स्ट सक्सेस का बात होता है, ठीक है। अब की बार ऐसे ही करते, अब जो और आएगा दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सक्सेस का बात करें, फर्स्ट सक्सेस मतलब तुम लूडो का गेम खेल रहे हैं, छक्का आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 out of 6 आउटकम्स, तो 1/6। तुम फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा मतलब 5/6, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट सक्सेस का, ठीक है। बट फर्स्ट सक्सेस ऐसा चीज है ना भाई, सबको फर्स्ट बार में नहीं मिलता है, ठीक है। तो किसी को दूसरी बार में मिलेगा, तो दूसरा बार में मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 to the power 1 × 1/6, राइट। किसी को तीसरी बार में मिलता है, किसी को तीसरा बार में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 5/6 square into 1/6, ठीक है। अब एक बात बोले, तुमको तीसरा बार में सक्सेस मिला ये है, दूसरा बार में मिला इसका ये है, पहला बार में मिला इसका ये है, तो इसका पीडीएफ जो बनता है, प्रोबेबिलिटी X=x जो बनेगा, P × Q to the power x-1, वेर एक्स इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब तुम सेकेंड टाइम ट्राई किया, तो फर्स्ट टाइम में जो आउटकम आया वो सेकेंड टाइम वाला आउटकम को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, समझा। P × Q to the power x-1, बोल हमको, बोल क्या हुआ, बोल। हाँ, वो डैशबोर्ड से टेबल बुक देख रहा है, उसको दे दी हम टेबल बुक, फिर भी तुम टेबल बुक लाया है, हाँ तो डैशबोर्ड में चला लो टेबल बुक। देखो ये पीडीएफ को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों P × Q to the power x-1 है। एक्स इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। अब हम बोलते हैं तुमको पहला सक्सेस, भाई पहला सक्सेस इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। ये सब जो बता रहे हैं, ये सब स्टैट्स तो छोड़ो, सब जीवन में बहुत काम आता है। पहला सक्सेस में ही भाई सही टाइम पे सही जगह पे होना, ये बहुत बहुत बड़ा चीज है भाई। तो ये सक्सेस सबको नहीं मिलता है। तुम लोग का आज सब सही चल रहा है, हम लोग बाकी कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चे लोग ऐसे हा करके बैठा रहता है। हम लोग कल एक कॉलेज में गए, हम लोग बोले तुम लोग को ये सब कोर्स के बारे में पता है, वो लोग कोई हाथ भी नहीं उठाया भाई, सही बता रहे, बता रहे। कोई भी, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है भाई। तुम लोग बहुत ब्लेस्ड है, घर पे किसी का गाइडेंस मिला, अब यहां आया, अब जो भी है भाई, समझ नहीं रहे तुम लोग। हर चीज का सही होगा तब जाके सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सब मौका कभी जाने मत दो, नहीं तो 5 साल बाद कोसेगा अपने आप को, टाइम निकल जाएगा हाथ से, देखिएगा कुछ नहीं हुआ, ठीक है।
पी क्यू टू द पावर एक्स माइनस वन। तो फर्स्ट सक्सेस जो है यहां पर, अब देखो ध्यान सुनो, तुम ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट के लिए गया, ठीक है। मैं 2017 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया क्योंकि मेरे को एग्जाम देना था, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत डर लग रहा था कि अगर अगर मान लो मेरा टेस्ट में पास नहीं होता ना, तो मेरा एग्जाम का जो पैसा लगा था 1,00,000 रुपए वो वेस्ट हो जाता। तो तुम मान लो फर्स्ट टाइम में तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ड्राइविंग लाइसेंस इज लेट्स सपोज 30%, तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तुमको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा फिफ्थ ट्राई में, ठीक है। फिफ्थ ट्राई में मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा बताओ? फिफ्थ ट्राई में मिलेगा, मतलब चार बार तुमको मिला फेलियर और फिर तुमको मिला सक्सेस। ये है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तुमको यह समझना पड़ेगा कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कहां करना है। जब भी हम लोग को फर्स्ट सक्सेस का बात करेंगे ना, तब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। फर्स्ट सक्सेस है, अगर छठवां ट्राई में फर्स्ट सक्सेस आया, मतलब पहला पांच में क्या आया? फेलियर, ठीक है ना। इसीलिए एन एक्स क्या है, एक्स मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है? एक्स इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ये समझो। अब यहां पर मैं डालता हूं सात, मतलब सातवां ट्राई में तुमको सक्सेस मिला, मतलब छह बार तुम क्या हुआ? फेल, 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 फिर पास, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है? आज मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना भी सारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है मैं आपको समझा दूं, बाकी एक बार मैम का वीडियो देख के पूरा नोट्स वगैरह प्रॉपरली कॉपी कर लेना। बोल बेटा, डिपेंडेंट कैसे होगा? तो फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था ना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तुम चीज समझ, आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं तुमको पूरा पूरा करा रहा हूं, आज क्लास का ऑब्जेक्टिव ये कि हम तुमको डिस्ट्रीब्यूशन से इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। एंड एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट और माने डिस्क्रीट कंटिन्यूअस पेपर और पेपर भी, यहां तक कर लेगा ना मतलब तुम लोग फिर सिक्योर है। यहां तक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो छुट्टी मिला है इसको यूटिलाइज करो एकदम अच्छे से, ये ठीक है। पी क्यू टू दी पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब जैसे देखो, हम मैम है, मैम का देख लेना भाई, हम यूनिफॉर्म पे खत्म कराएंगे, क्योंकि मेरा बुद्धि जहां खत्म होता वहां मैम का चालू होता है। हाँ, तो क्या हमको डर, थोड़ी डर तो लगता ही हमको मैम से। ए प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है। एन सी जीरो ए टू द पावर जीरो, टेबल रूल का पेज नंबर टू में आओ। ये है हम लोग का बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये है हम लोग का बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। बाइनोमियल का एक्सपेंशन देखो, ये हम लोग पहले भी किए 11-12 में किए, जिसका प्योर मैथ्स था वो लोग पढ़ चुका होगा। यहां तक सबको ऑनलाइन में क्लियर है? यस नो? आज ऑनलाइन में कॉम्पिटिशन में है हमारे साथ युगल अग्रवाल, नंदिनी, सुमित कुमार, रिद्धि चंद्र, प्रेरणा, अंशा, ऋषभ झा, युगमेश, स्नेहल, हर्षित, राकेश एंड सुमित। आज होगा टफ कंपटीशन इनके बीच में। ले लो चार्जर लगा लो ना, ठीक है। चल टेबल बुक का भी यूज नहीं है, तुम कॉपी में देख, टेबल बुक का पेज नंबर टू में देखो, टेबल बुक का पेज नंबर टू में देखो। एन सी जीरो ए टू द पावर जीरो बी टू द पावर एन माइनस जीरो प्लस एन सी वन ए टू द पावर वन बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन माइनस एन, है ना। ये बेसिकली एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मैं क्या कर रहा हूं, पी प्लस क्यू रिप्लेस कर दे रहा हूं। सक्सेस प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन। तो यहां पर क्या आएगा, एन सी जीरो, एन सी जीरो, हाँ क्योंकि यहां पर एन माइनस जीरो है ना, वही फॉर्म में जा रहे। टेबल टू का पेज नंबर टू देखो, बी टू द पावर एन माइनस वन है ना, तो बी टू द पावर एन माइनस वन मतलब बी टू द पावर जीरो, मतलब ए टू द पावर एन आएगा। हाँ बी टू द पावर जीरो मतलब ए टू द पावर एन आएगा उसका, हाँ ठीक है। नहीं आ रहा उस टर्म में, उसमें बी नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, एक्सपेंशन है ये एन सी जीरो। अब जब तुम करता है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां पर ए स्क्वायर में बी थोड़ी आ रहा है, फिर जब लास्ट में बी स्क्वायर आता है उसमें ए थोड़ी आ रहा है,
एन सी जीरो पी टू दी पावर जीरो क्यू टू दी पावर एन माइनस जीरो प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन पी टू दी पावर एन क्यू टू दी पावर एन माइनस एन। ठीक है, इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन समेशन एक्स रन्स फ्रॉम जीरो टू एन एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। ध्यान देना किस चीज का समेशन वन होता है, क्योंकि यहां पर तो वन आएगा, वन के पावर में एन है तो वन आएगा ना। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। वही मैं बोल रहा हूं, तो पीडीएफ का सम इज वन, समेशन वो किए ना, ये चीज समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट वन, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट वन, ये किए ना हम लोग। ठीक है, तो एफ एक्स का समेशन वन है, तो मेरा एफ एक्स क्या आ जाएगा बाइनोमियल का, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन से निकाल रहे बोल के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स, और यहां पर एक्स रेंज करता है जीरो वन टू डॉट 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 अप टू एन तक। जो हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें एक्स का रेंज देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का जो रेंज होगा, एक्स इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो यहां पर चालू होगा वन टू थ्री डॉट 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 इंफिनिटी। अगर किस्मत खराब रहा तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वहां पर वन से चालू हो रहा है, यहां पर जीरो नहीं आ रहा है, यहां पर जीरो नहीं आ रहा है। अब इसके बाद जो हमने बाइनोमियल वाला किया, यहां पर देखो एक्स का रेंज जीरो से एन है, यहां पर क्या होता है ना, ध्यान से देखना, यहां पर क्या होता है, एक्स इज नॉट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, एन इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। मतलब मैं आने वाले छह साल में 12 एग्जाम दूंगा, उसमें कितना क्लियर होगा मेरा, इतना में इतना सक्सेस। तो बाइनोमियल का बेसिकली आइडेंटिफिकेशन क्या है, इतना में इतना सक्सेस, बाइनोमियल का बेसिकली आइडेंटिफिकेशन क्या है, इतना में इतना सक्सेस। ठीक है, इतना में इतना सक्सेस मतलब इतना बार ट्राई किया इसमें इतना बार सक्सेस। आने वाला छह साल में 12 टर्म होंगे, 12 बार एग्जाम दूंगा, उसमें 7 सक्सेस चाहिए, 12 में 7 सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, समझो 12 में 7 सक्सेस चाहिए, तो ऐसा हो सकता है पास 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 पास, फिर फेल 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 फेल, या फिर पास फेल पास फेल पास, कुछ ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए हम लोग ये करते हैं 12C7। एक्स मतलब तुमको कितना सक्सेस चाहिए, एन मतलब कितना ट्रायल्स में कितना सक्सेस चाहिए, समझा, कितना में कितना सक्सेस चाहिए। ठीक है, एन मतलब कितना ट्रायल्स, यस। ये वाला पूरा कॉपी हो गया सबका, ये वाला पहले पूरा कॉपी करो, ये वाला पहले पूरा कॉपी करो, एक मिनट का टाइम दे रहे हैं।
ठीक है, ध्यान देना अब, ठीक है, सबको वॉइस आ रहा है ना। देखो अब जैसे क्या है, इतना में इतना सक्सेस का जो बात हो रहा है ना, तो अब यहां पर जैसे क्या लिख सकते हैं, एक्स फॉलोज बाइनोमियल एन कॉमा पी। यहां पर एक्स क्या है, यहां पर एक्स है नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तुम लोग जब टेबल बुक में आएगा तो वहां पर देखना दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन दिया हुआ है एनपी, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है एनपी क्यू, ठीक है। इतना में इतना सक्सेस। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी आदमी को कोई टाइप का बीमारी होगा, मान लो कोई भी टाइप का बीमारी, बुखार, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो बुखार नहीं होगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तुम 20 आदमी में चेक करेगा, तुम 20 आदमी में चेक करेगा क्या प्रोबेबिलिटी, 20 आदमी में चेक करेगा मतलब ट्रायल्स कितना हो गया 20, ठीक है। तुम 20 आदमी में चेक करेगा क्या प्रोबेबिलिटी कि 8 को बुखार निकलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी कि 8 को बुखार निकलेगा, तो मतलब 20 में तुमको कितना सक्सेस चाहिए, 8, 0.6 टू द पावर 8, 0.4 टू द पावर 12, समझ गया, हाँ या ना बोलो। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा रूट एन पी क्यू, सेम ही है वो रैंडम वेरिएबल्स का था, डिस्ट्रीब्यूशंस का वो है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे ये वाला हुआ, अब इसके बाद देखो, अब जैसे नेक्स्ट हेडिंग लगाना, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल दो टाइप का होता है, बट पहले समझो नेगेटिव बाइनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल में क्या है, इतना में इतना सक्सेस, राइट। बाइनोमियल में क्या है, इतना में इतना सक्सेस, वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज समझो। यहां पर कैसा क्वेश्चन आएगा, अब जैसे मैं ये बोलता हूं, आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स, आउट ऑफ 10 एग्जाम्स, आई नीड टू क्लियर 5। चीज समझो, पहले भी कॉपी मत करना। आउट ऑफ 10 एग्जाम्स आई नीड टू क्लियर 5, मतलब मैं 10 बार एग्जाम दूंगा उसमें मेरे को 5 सक्सेस चाहिए, कोई भी 5 हो सकता है वो, पास 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 पास, फिर लाइन से फेल, पास फेल पास फेल पास फेल, वैसे भी कुछ भी हो सकता है। यहां नेगेटिव बाइनोमियल में क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल में क्या है, 10th एग्जाम माने 10th एग्जाम अटेम्प्ट माने 10वां अटेम्प्ट में, 10वां अटेम्प्ट एग्जाम अटेम्प्ट विल बी माय 5th पासिंग एग्जाम। रुक जाओ, आई विल गिव यू बेटर एग्जाम्पल।
टेंथ एग्जाम अटेम्प्ट विल बी द फिफ्थ पासिंग एग्जाम, मतलब दसवां अटेम्प्ट में जो पेपर क्लियर होगा दैट विल बी द फिफ्थ पेपर आई क्लियर. फॉर एग्जाम्पल तुम चालू किया CM1 CS1, ठीक है CS2, ऐसे करके सोचो ना, तुम हर अटेम्प्ट में एक एक एग्जाम लिखेगा CS2 CM2 फिर CB1 फिर CB2 फिर CB3, कितना हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया ना, फिर CP1 CP2 CP3, ठीक है. अब देखते हैं इसमें, मैं बोल रहा हूं जो मैं दसवां एग्जाम दूंगा वो पांचवा होना चाहिए जो मैं क्लियर करूंगा, अज्यूमिंग कि दोबारा रीटेक नहीं ले रहा हूं, ठीक है. मान लो 5 साल का कॉलेज है और हर सेमेस्टर में तुमको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ा तो पास, नहीं तो फेल, फिर अगला दूसरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है. तुम जैसे मान लो यहां 1-2 में पास हुआ, फिर यहां पर नहीं हुआ, फिर ये हुआ ये हुआ, तुम समझो, यहां तो सक्सेस चाहिए ही. टेंथ एग्जाम अटेम्प्ट विल बी द फिफ्थ एग्जाम दैट आई क्लियर, लास्ट में सक्सेस चाहिए ही चाहिए. और इसके पहले के जो 9 पेपर्स है इसका ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैंने पिछला 9 में मेरे को कितना सक्सेस चाहिए, 4, समझा. और लास्ट में क्या चाहिए, सक्सेस. लास्ट अटेम्प्ट में सक्सेस चाहिए, लास्ट अटेम्प्ट में सक्सेस चाहिए. अरे लास्ट अटेम्प्ट CP3 का ही है भाई, ठीक है. टेंथ एग्जाम अटेम्प्ट विल बी माय फिफ्थ पासिंग एग्जाम, मैंने समझ लो यही है. अब जैसे ये एक एग्जांपल हुआ, और एक समझो, मेरे बारे में कोई रूमर फैल रहा है, ठीक है. रूमर ये फैल रहा है, सपोज करो रूमर ये फैल रहा है कि सर अच्छे से नहीं पढ़ाते, ठीक है. वो बोल रहा है कि ऐसा ही है, रूमर ये फैल रहा है. अब रूमर फैल रहा है कि रूमर ये है सर अच्छे से नहीं पढ़ाते, ठीक है, ठीक है. मैं बोलता हूं 20th person टू हियर द रूमर विल बी द 12th टू बिलीव इट. ट्वेंटीएथ पर्सन टू हियर द रूमर विल बी द 12th टू बिलीव इट. इसका मतलब क्या है, पहला 19 में कितना सक्सेस चाहिए, और लास्ट में क्या चाहिए. जो ये कर रहे ना, करने दो उसको. पहला 19 में 11 सक्सेस मिल गया, और लास्ट में तो उसको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है. तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहे लास्ट में सक्सेस चाहिए. 10th person टू हियर द रूमर विल बी द 5th टू बिलीव इट. 15% टू हियर द रूमर विल बी द 9th टू बिलीव इट. एक पर्टिकुलर, इसको और अगर हम बेटर वे में समझाएं तो एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस चाहिए, ठीक है. अब कॉपी कर लो जिसको कॉपी करना है. ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है. चालू किए ज्योमेट्रिक से, चालू किए हम लोग ज्योमेट्रिक से, ठीक है ना. ज्योमेट्रिक से जो चालू किया उसमें क्या था कि भाई फर्स्ट सक्सेस चाहिए. फिर हम लोग आए बाइनोमियल में, एक पर्टिकुलर बाइनोमियल में क्या था, इतना में इतना सक्सेस चाहिए. फिर उसके बाद हम लोग आए नेगेटिव बाइनोमियल में, नेगेटिव बाइनोमियल में क्या सीखे कि एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस. बाइनोमियल में इतना सक्सेस, लास्ट में सक्सेस और फेलियर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है.
ठीक देना पर। नेगेटिव बेनिफिट में दो टाइप का है। अब देखो मैं बोल रहा हूं ना, एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस, तो कैसे समझ में आएगा टाइप वन है कि टाइप टू है। तुम देखो, एक तुम्हारा चालू हो रहा है के से, एक्स का जो रेंज है, एक तुम्हारा चालू हो रहा है के से और एक तुम्हारा चालू हो रहा है जीरो से। तो दिस इज टाइप वन, लिखो। ये जो हम लोग किए हैं ना, ये टाइप वन है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये टाइप वन है। ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं, ये तुम्हारा है टाइप वन। अब समझो टाइप टू में क्या हो रहा है। टाइप टू में तुम्हारा जो एक्स का रेंज है वो जीरो से चालू हो रहा है। जीरो से चालू हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? अगर मेरे को सक्सेस के पहले के फेलियर्स को मॉडल करना है, तो टाइप टू। देखो टाइप टू के नीचे एक लाइन लिखा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ टाइप वन नेगेटिव बाइनोमियल विद के इज वन। क्यों के इज वन? क्योंकि ज्योमेट्रिक में मेरे को क्या चाहिए? फर्स्ट सक्सेस। अरे ज्योमेट्रिक में क्या चाहिए? फर्स्ट सक्सेस चाहिए ना। तो व्हेन के इज वन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सक्सेस, तो इसलिए ज्योमेट्रिक इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल टाइप वन। अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस को मॉडल करना है तो टाइप वन। सक्सेस के पहले के फेलियर्स, क्यों जीरो? रेंज देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आपको, फॉर एग्जांपल समझो, आपको यह चाहिए कि भाई मैं जो ट्राई कर रहा हूं फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा होगा, ठीक है, तो उसके पहले का जो फेलियर है, चार्ट टू जो फेलियर है, उसको किससे मॉडल करेंगे? टाइप टू से मॉडल करेंगे। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगा। सक्सेस के पहले का फेलियर्स को अगर मॉडल करेंगे तो टाइप टू से, ठीक है। अब एक चीज समझना, अभी तक हमने जो भी किया इसमें क्या प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है? चीज समझो, अभी तक हमने जो भी किया इसमें क्या प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है? प्रोबेबिलिटी सेम रह रहा है। मैं बोला डाइस रोल कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रहा है, बट तुम जो बोला अगर प्रोबेबिलिटी चेंज होगा तो, ठीक है। अब वो तुम समझना, ये वाला कॉपी होगा सबका, हाँ। नेक्स्ट पुट द हेडिंग हाइपर ज्योमेट्रिक, बहुत ईजी है, हाइपर ज्योमेट्रिक। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, पी विल चेंज का मतलब समझा? विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया ये, जहां बोल दिया ना पी विल चेंज, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। ध्यान से सुनो, एक ट्रक डिपो है, इसमें 24 टो ट्रक है, ठीक है। 24 टो ट्रक में 6 ट्रक ऐसा है, सॉरी 24 टो ट्रक में 4 ट्रक ऐसा है जो पोल्यूटेंट एमिट करता है, ठीक है, और 20 ट्रक ऐसा है जो पोल्यूटेंट एमिट नहीं करता है, ठीक है। अब एक आएगा इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर आएगा और चेक करेगा कि कौन सा ट्रक पोल्यूटेंट एमिट करता है, ठीक है। अब ये जो ट्रक डिपो का जो ओनर है वो परेशान, ठीक है। ट्रक डिपो का ओनर क्या चाहेगा? मान लो इंस्पेक्टर बोलता है हम 6 टो ट्रक चेक करेंगे, पूरा तो चेक नहीं करेगा, मतलब गाड़ी स्टार्ट करो दिखाओ, फिर बोलेगा गियर दो, तो सब समझेगा ना पोल्यूटेंट एमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो बेसिकली क्या बोलेगा कि हम 6 ट्रक चेक करेंगे, टाइम हम दिखा दे रहे तुमको, तुम्हारा तो बहुत ही खराब चल रहा है, ठीक है, अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ेगा तो। छह ट्रक वो चेक करेगा, ठीक है, 4 पोल्यूटेंट एमिट कर रहा है, 20 पोल्यूटेंट एमिट नहीं कर रहा है। अब एक बात बताओ, वो पहला ट्रक चेक करेगा, ठीक है, पहला ट्रक चेक किया और वो निकला पोल्यूटेंट एमिट करने वाला, तो पोल्यूटेंट एमिट करने वाला ट्रक कितना बच गया? 3 एंड नॉन पोल्यूटेंट, और उस ट्रक को साइड में कर देगा तो टोटल ट्रक सब कितना बचा? तो प्रोबेबिलिटी चेंज होगा। फर्स्ट में क्या होगा, अगर मान ले पोल्यूटेंट एमिट करने वाला जो ट्रक है, अगर फर्स्ट में वो पकड़ाता है
तो सेकंड के केस में क्या होगा, 3/23। ठीक है, हमको इस चीज का प्रोबेबिलिटी चाहिए कि भाई ये जो 6 ट्रक चेक करेगा सारा पोल्यूटेंट एमिट नहीं करने वाला उसको मिलेगा इसमें। इसका मतलब क्या है, जो 4 है उसमें से 0 पकड़ाएगा, जो 20 है उसमें से, बट पकड़ा तो कोई भी 24 में 6 सकता है, ये इसका आंसर होगा। समझा? इसको अब हम कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, इंटरव्यू हो रहा है उसमें दोनों टाइप का कैंडिडेट्स है, विद डिग्री विदाउट डिग्री। ठीक है, 5 जन का स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, उसमें 2 जन डिग्री वाला निकलना चाहिए। तो अब एक चीज समझ, 120 जन का लाइन लगा हुआ है, ठीक है, तुम 5 जन को स्क्रीन करेगा, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी कि इसमें 2 डिग्री वाला मिलेगा? तो अब अगर एक जन को निकाला, इंटरव्यू ले लिया, तो वो बाहर निकल जाएगा ना, अब तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गया। इसको कॉपी करो, बायनोमियल में क्या है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट चेंजिंग। डंडा है, या फिर छत्ता भी हो सकता है, बारिश हो रहा है मान लो, तुम्हारे को क्या लगता है उससे मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, चाकू है मारने आया है तुमको, ये लो बस। तो तुमको क्या लगा? तो फिर ये क्या है? ठीक है चल, तुम बोल रहे ना कि देखो दिक्कत हो रहा समझने में, तो फिर ये क्या है? अब तुम बता कि, सॉरी एक मिनट को, ठीक है, तो तुम्हारा नॉलेज हम चेक कर लेते हैं कि तुम कितना सोच सकता है। बोलिए क्या है फिर? क्या ये बताओ तो ऑनलाइन में ये क्या है? हाँ, सीनरी। हाँ देख क्या है बताओ, अब सोच, अब नहीं सोच पा रहे? ये है किताब, हाँ, और ये लड़का पढ़ रहा है, उसका बाल खड़ा हो गया, हाँ है। आप देखो 120 जन इंटरव्यू देने आ रहे हैं, उसमें 40 जन के पास में डिग्री है, 80 जन के पास में कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, तुम एक बात बताओ, 5 जन का स्क्रीनिंग होगा, उसमें 2 जन डिग्री वाला निकलेगा, तो मतलब इस 40 में से कितना निकलना चाहिए? 2। इस 80 में से कितना निकलना चाहिए? 3। डिवाइड बाय 120C5। सॉरी, इसी सम को बाइनोमियल से कैसे करेंगे पता है? अप्रोक्सीमेट कर देंगे। डिग्री होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/120, और तुमको 2 डिग्री वाला चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? 5C2, 40/120^2, 80/120^3। हाइपरजोमेट्रिक को हम लोग बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है, बट एन बहुत बड़ा होना चाहिए। अरे ये तो एग्जैक्ट हो गया ना आंसर, ये अप्रोक्सीमेट हुआ, ये इजीली निकल जाएगा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं। हाइपरजोमेट्रिक से करना है, पहले बोलेगा, पहला स्टेप में बोलेगा हाइपरजोमेट्रिक से करो, फिर बोलेगा लेट नाउ अज्यूम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिग्री होल्डर बी 40/120, नाउ अप्रोक्सीमेटेड विद बाइनोमियल। क्या
क्या यही प्रोबेबिलिटी है? यही तो प्रोबेबिलिटी हुआ फेवरेबल बाय टोटल, तुमको चाहिए ये और ये हो सकता है, पांच तो कभी भी आ सकता है ना 120 में से। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी, ठीक है? नेक्स्ट पुट द हेडिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ऐसे बोलते हैं एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा। टेबल बुक का पेज नंबर 2 में देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपेंशन दिया हुआ है, ई टू द पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन एक्स रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। अब तुम एक्स के जगह में पहले 0 डालो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 1 लैम्डा, फिर वो आ रहा है पूरा, ठीक है? यहां पर आ रहा है ई टू द पावर लैम्डा। अब दोनों तरफ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा से, ठीक है? तो क्या आएगा 1, क्योंकि e टू द पावर लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा इज व्हाट, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, यहां पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x बाय x फैक्टोरियल, ठीक है? समेशन x रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्यों? बिकॉज समेशन x का है तो e टू द पावर माइनस लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो अंदर रहे बाहर रहे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो बेसिकली समेशन ऑफ व्हाट इज 1 पीडीएफ, तो मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ जो बन रहा है वो है ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू द पैरामीटर विच इज लैम्डा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं? जब कोई भी चीज का अराइवल रेट बोलता है, जब कोई भी चीज का अराइवल रेट बोलता है, माने ट्रक में डिपो में ट्रक्स आ रहे हैं, टेलीफोन बूथ में कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है? या फिर हम लोग को बोल देगा मीन या फिर एवरेज, मीन या फिर एवरेज, ये आइडेंटिफिकेशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, अराइवल रेट, अराइवल रेट, ठीक है? 5 मिनट में इतना कॉल्स आएगा एक फोन में, ठीक है, सेलफोन में। हाँ, वो नहीं, वो भी बोले थोड़ी हम, लैम्डा हमेशा जरूरी नहीं ना, जब बाइनोमियल को पॉइजन से अप्रोक्सीमेट करेंगे तब वो चीज होगा। हाँ, ये लो कॉपी हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ठीक है? ठीक है, एक टेलीफोन बूथ है, उसमें कॉल्स अराइव हो रहा है 60 पर आवर के बेसिस में, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 कॉल्स विल अराइव इन अ 5 मिनट पीरियड, 5 मिनट पीरियड, ठीक है? मेरा बात सुनो, 60 पर आवर का मेरा रेट हो गया, ठीक है, अराइवल का फीलिंग आ रहा है, ठीक है, तो 60 पर आवर है ना, तो ये 60 पर आवर नहीं है, दिस इज 60 पर 60 मिनट्स, दिस इज 60 पर 60 मिनट्स, तो 5 मिनट में कितना आएगा, 5 पर 5 मिनट पीरियड, तो 5 मिनट पीरियड का पहले मेरे को लैम्डा निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं निकालूंगा एक्स फॉलोज पॉइजन 5 पर 5 मिनट पीरियड, मेरे को क्या बोला, 10 कॉल अराइव होंगे, सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज 10 इज हाउ मच, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा इज वॉट 5, लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। सॉल्व कर बताओ कितना आ रहा है। सबसे पहले तुमको जो बोलेगा पहले उसका रेट निकालना पड़ेगा, पॉइजन में ये बेस्ट फीचर है कि तुम ऐसे यूनिटरी मेथड लगा के कर सकता है,
ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, 60 पर 60 मिनट्स का है तो मैंने 5 मिनट के लिए निकाला है, 5 मिनट में कितने कॉल्स आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो 5 आ रहा है, 5 कॉल्स पर 5 मिनट पीरियड, x फॉलोस पॉइजन 5 पर 5 मिनट, ठीक है। तो मेरा लैम्डा निकल गया 5 मिनट का और फिर मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, कितना आ रहा है 0.01813। अब पॉइजन को ना सॉल्व करना बहुत इजी है क्योंकि टेबल बुक के पीछे में ना क्यूमुलेटिव पॉइजन टेबल्स दिया हुआ है, जो टेबल बुक का पेज नंबर 174 या फिर 175 से चालू होता है उसमें क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, मतलब ये वाला दिया हुआ है अपने को, ये वाला ना अपने को दिया हुआ है, तो इससे बहुत ईजी हो जाता है पॉइजन का प्रोबेबिलिटीज निकालना। बाइनोमियल का भी दिया हुआ है बट पॉइजन में ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल को ना बहुत बार पॉइजन से अप्रोक्सीमेट करने आएगा, बाइनोमियल को बहुत बार पॉइजन से अप्रोक्सीमेट करने आएगा, बट हम लोग कब कर सकते हैं, व्हेन n इज वेरी लार्ज, दिस मींस n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड p शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब p का जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0.05। अगर ऐसा है तो तुम बाइनोमियल को पॉइजन से अप्रोक्सीमेट कर सकता है, कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू np, मैंने दोनों का मीन को इक्वेट कर दिया, बाइनोमियल का मीन होता है np और पॉइजन का मीन होता है पैरामीटर लैम्डा, दोनों को इक्वेट करके पॉइजन का लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है। बाइनोमियल में बहुत बार तुमको बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल, तो तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन से अप्रोक्सीमेट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़े ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक में क्या था, फर्स्ट सक्सेस, फिर उसके बाद में क्या था, बाइनोमियल था, बाइनोमियल में क्या था, इतना में इतना सक्सेस, नेगेटिव बाइनोमियल में क्या था, एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस, ठीक है ना। उसके बाद में क्या पढ़े, हाइपरजोमेट्रिक, माने दैट इज व्हाट, विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़े, पॉइजन, पॉइजन में क्या है, एवरेज दे देगा, अराइवल रेट दे देगा, मीन दे देगा, ये सब पॉइजन का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। एक और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बचता है डिस्क्रीट में, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो समान होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल है, अब जैसे मान लो x का जो रेंज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, 2, 3 से लेके 50, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर है, 50 है ना, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो क्या बनेगा, 1/50, ठीक है। इसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनाया, जैसे मान लो a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1d है, ठीक है, ये है। तो इसमें कितना नंबर्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इज n, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, d है ना, कॉमन डिफरेंस d है। तो अब एक चीज समझो, अब जैसे a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, ठीक है, इसमें मैंने फॉर्मूला जो बनाया है डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस, बहुत सिंपल है, डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे देखो एक चीज समझो, ये वाला जो है ना, मैं यहां पर ऐसे करके दिखाता हूं, अब जैसे यहां पर दिया हुआ a, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, ठीक है, यहां पर आता है डॉट 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 डॉट, जैसे मान लो l आता है लास्ट टर्म, ठीक है, l आता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें निकालने पड़ेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। सो nth टर्म इज व्हाट, nth टर्म इज व्हाट, l व्हिच इज व्हाट, n माइनस 1 इंटू, ठीक है, हाँ। और ऐसे पहले n निकालना पड़ेगा, तो l n कैसे निकालेंगे, l प्लस 1 माइनस a, ठीक है। तो अब देखो बहुत सिंपल है, ये वाला डिफरेंस ये सब इतना नहीं करके हम लोग सिंपली अगर n निकाल लिए ना तो 1/n होगा प्रोबेबिलिटी। यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर n डेटा पॉइंट्स है तो प्रोबेबिलिटी होगा 1/n। आप सिंपली क्या कर सकते हो, 1/l प्लस 1 माइनस a, तो मैंने यही आपको बताया डिफरेंस कितने का है, 1 का है, बाय लास्ट, लास्ट इज व्हाट, माइनस फर्स्ट, लास्ट इज l,
फर्स्ट इज ए लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस। ये आप यूनिफॉर्म में हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको तो पहले ये निकालना पड़ेगा ना कि कितना डेटा पॉइंट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1/n प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। पहले ये निकालो कितना डेटा पॉइंट्स है, पहले ये निकालो कितना डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, और फिर 1/n कर दो, आंसर वही होगा आपका प्रोबेबिलिटी का। टेबल बुक में जाके देखना इसका मीन का फॉर्मूला क्या है। Tn इज nth टर्म, nth टर्म इज l, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म इज l, और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज 1। मतलब वही मैं मान लेता हूं n टर्म्स है इसमें, मैंने मान लिया इसमें n टर्म्स है, ठीक है, मैंने मान लिया इसमें n टर्म्स है। सेम बोलेगा, बोले इक्वल प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी। अब देखो टेबल बुक में तुम लोग देखो क्या फॉर्मूला दिया है मीन का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला बताओ, 1/2 ए प्लस बी, ठीक है, एंड वेरिएंस का 1/12, नहीं ये नहीं है क्या, अच्छा नहीं देखो यूनिफॉर्म भी दो है, डिस्क्रीट भी है कंटिन्यूअस भी, डिस्क्रीट का देख के बताना, डिस्क्रीट का क्या है वेरिएंस 1/12 बी माइनस ए इंटू, हाँ देखे टेबल बुक देना एक बार, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पहले ये लिखना पड़ेगा, एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, पैरामीटर लिखने से बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या है, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, लास्ट टर्म दिया हुआ बी, एंड कॉमन डिफरेंस एच का दिया हुआ है, तो यहां पर आपका जो पीडीएफ जो बनता है, आपका जो पीडीएफ जो बन रहा है वो बन रहा है डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस, ठीक है, और यहां पर एक्स का जो रेंज है वो कैसा है, ए फिर ए प्लस एच, ए प्लस 2h डॉट डॉट डॉट, यहां पर आएगा बी माइनस एच और बी, ठीक है, फिर इसके बाद में इसका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ रहा है ये आपका आएगा ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एक्स जो आएगा दिस इज 1/12 बी माइनस ए, बी माइनस ए प्लस 2h, ठीक है, कौन सा मोमेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है, ये मीन है और ये वेरिएंस है। अब जैसे मान लेना कुछ भी दे देगा, ए दे देगा 5, बी दे देगा 15, एच दे देगा 1, निकालना है मीन और वेरिएंस, ठीक है, ये एक बेसिक था, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, मैम का सारा वीडियोस देख के जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो पूरा असाइनमेंट है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वो पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। एक दिन अगर तुम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेके बैठेगा तो ये हो जाएगा, और एक दिन पूरा आर में लेके बैठेगा तो आर तक भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, 12-13 असाइनमेंट है, 3-4 क्लास है, अच्छे से पूरा इसको देख के पूरा रेडी करो, ठीक है। अभी 5 मिनट का ब्रेक है और फिर तुम लोग का टेस्ट है, ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन वाले लोग को टेस्ट बता देंगे, कोई छोड़ेगा नहीं मीटिंग लिंक।